हमारी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाएंगे वेज अंडा करी। आपने अंडा करी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने वेज अंडा करी कभी खाई है? इसका स्वाद सबसे अलग होता है खाने में और ये बहुत ही मज़ेदार भी लगती है। तो चलिए हमारी रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज अंडा करी बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडे बनाएंगे और उसके लिए हम 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर लेंगे, जिससे हम सबसे पहले अंडों का येल्लो वाला जो पार्ट होता है वो बनाएंगे। 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ये खाने में फीके नहीं लगेंगी, और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी और नमक को हमें पनीर में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा अंडे का येल्लो वाला पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अब बनाते हैं अंडे। अंडे बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर लेंगे। पनीर को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लें, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप कॉर्नस्टार्च भी इसमें डाल सकते हैं। स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे। और अब सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम आटे की तरह गूंद लेंगे। और इसे हम तब तक गूंदेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आटे जैसी ना हो जाए। पनीर बहुत जल्दी टूटने लगता है, इसलिए इसे गूंदने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी, या फिर हम इसे इस तरह से किचन काउंटर में निकाल लेंगे। किचन काउंटर को पहले अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद इसमें इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे और इसे गूंद के इसका एक डो बना लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है, इसका एक डो बन के रेडी हो चुका है। और अब अंडे बनाना हम शुरू करते हैं। पनीर में से हम छोटी सी लोई तोड़ेंगे, जितना हम पूरी बनाने के लिए बनाते हैं, और इसके बीच में इस तरह से उंगली से हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना है, जिसमें हम येल्लो वाले पार्ट को स्टफ़ कर सकें। तो अब हमने जो येल्लो वाला पार्ट बनाया था पनीर का, उसे हम इसमें डाल के स्टफ़ करेंगे, और इसे चारों तरफ से हमें घुमा के इस तरह से इसे सील करना है। पहले इसे अच्छे से दबा लें येल्लो वाले पार्ट को, उसके बाद इसे इस तरह से सील कर लें ताकि जो येल्लो वाला पार्ट है वो फट के बाहर ना आए। तो ये हमने अंडे को अच्छी तरह से सील कर दिया है। अब इसे हम गोल बना के अंडे का शेप देंगे। इस तरह से हमने एक अंडा बनाकर रेडी कर दिया है। अभी सेम प्रोसेस से हम दूसरा अंडा भी बनाएंगे। इस तरह से बीच में थोड़ा सा हम स्पेस देंगे और इसके बीच में येल्लो वाला पार्ट को हम स्टफ़ करेंगे। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और यह हाथ में लेते ही टूटने लग जाता है, इसलिए हमने इसे पहले आटे की तरह गूंदा ताकि जब हम इसमें येल्लो वाला पार्ट स्टफ़ करेंगे तब ये टूटकर अलग ना हो जाए। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें यहाँ पर कि जब आप पनीर में इस तरह से स्पेस बना रहे हैं तो इसे हल्के हाथों से स्पेस बनाना है ताकि पनीर टूटे नहीं। और जब हम पनीर को अच्छे से सील करेंगे तो उसके बाद इसे हल्के हाथों से दबाकर हम इसे अंडे का शेप देंगे। अगर पनीर हाथ में लेते ही टूटने लगे तो आप उसे इस तरह से बीच में हल्का सा प्रेस करके एक स्पेस बना दें थोड़ा सा, और फिर इसे हाथों के बीच में रख कर और अब चारों तरफ से कटोरी की तरह बनाएंगे, जिससे ये टूटेगा नहीं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का। तो ये हमने एक कटोरी जैसा बनाकर रेडी कर दिया और अब इसमें हम ये येल्लो वाला पनीर स्टफ़ करेंगे। येल्लो वाला पनीर स्टफ़ करने के बाद इसे धीरे से दबाएंगे और फिर इसके किनारों को उंगलियों से दबाएंगे, और अब इन किनारों को हम धीरे धीरे जोड़कर बीच में लाएंगे और इसे इस तरह से हम इसे सील कर देंगे। और सील करने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे अंडे जैसा शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा एक अंडा बनकर रेडी हो चुका है बिल्कुल। और अब सेम प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए पनीर के भी अंडे बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब अंडों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने दें, उसके बाद ही हम अंडों को उसमें डालेंगे। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो ये अंडे नीचे तेल में चिपकने लग जाएंगे, इसलिए तेल को अच्छे से गरम होने के बाद ही हम अंडे उसमें डालेंगे। और फ्लेम को आपको एकदम लो कर देना है, जिससे ये अंडे जलेंगे नहीं। अंडे के अंदर का येल्लो वाला पार्ट हमें अच्छे से पकाना है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे, जिससे ये अंडे जलेंगे नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हमें इन्हें लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई होने देना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाए, एक हल्का सा ब्राउन कलर आने लग जाए इनमें, तब हम अंडों को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे अंडे बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। इनका कलर कितना अच्छा आया, एकदम गोल्डन। इसी तरह से हम बाकी के अंडे भी फ्राई कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। करी बनाने के लिए गरम तेल में 4 से 5 लवंग डाल दें, 1 से 2 हरी इलायची डालें, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े डाल दें और 2 दालचीनी के पत्ते डाल दें, और 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे। सभी मसालों को लो फ्लेम में अच्छे से भुनेंगे।
इससे अंडा करी में बिल्कुल रियल अंडे वाला फ्लेवर आएगा और ये खाने में भी बिल्कुल नॉनवेज जैसे ही लगते हैं। मसालों की हल्की सी खुशबू आने लगे तब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज के पेस्ट की जगह आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में भूनेंगे जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे कुछ इस तरह से, तब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट या फिर बारीक कटा हुआ अदरक हम इसमें डालेंगे। और अब प्याज और अदरक को दोनों को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अब आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इस पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। और अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे मसाले में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की टमाटर की प्यूरी, आप इसकी जगह बारीक कटा हुआ टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें मसाले डालेंगे, 2 छोटे चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे करी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। सभी मसालों को अच्छे से चला लेंगे और इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। आप देख सकते हैं मसालों में से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, आप जितनी तरी बनाना चाहते हैं उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक देंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। हम इसे लो फ्लेम में ढककर पकाएंगे जिससे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से अलग हो चुका है, करी अच्छे से पककर रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को हम इसमें लो कर देंगे। ठंडा होने के बाद अंडों को हम इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेंगे या फिर आप इन्हें बिना कांटे भी तरी में डालकर पका सकते हैं। आप देख सकते हैं अंडों का कितना अच्छा कलर आया है। हमारी करी भी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इन कटे हुए अंडों को एक एक करके हम करी में डालेंगे। आप इन अंडों को बिना करी में डाले ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हमारी वेज अंडा करी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इन्हें रोटी, नान, राइस या फिर पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वेज अंडा करी खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरे चैनल की सारी रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहेगी।